राजस्थान में कश्मीर फाइल्स पर मचा घमासान, फिल्म की स्क्रीनिंग के चलते धारा 144 लागू, कोटा में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस निकालेगी गांधी यात्रा, 6 अप्रैल को गुजरात से होगी शुरुआत, 1 जून को दिल्ली में समापन। चीन में हुए विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, चीनी राजदूत ने कहा आपकी प्रार्थना और सहानुभूति के लिए धन्यवाद। चीन में भयानक प्लेन क्रैश पर भारत अलर्ट, डीजीसीए ने बोइंग 737 बेड़े की बढ़ाई निगरानी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश की दो टूक, परीक्षा छोड़ने वालों को माना गया अनुपस्थित, नहीं करवाएं दोबारा एग्जाम। कोयला घोटाला केस मामले में ईडी के सामने पेश हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा बीजेपी की तानाशाही में काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। नागालैंड से बीजेपी को मिली पहली महिला राज्यसभा सांसद, निर्विरोध चुनी गई एस फांगनोन कोन्याप। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कहा भारत की जनता को फर्क पड़ रहा है बीजेपी को नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों से की मुलाकात, छात्रों ने अपने भविष्य की चिंताओं के बारे में दी जानकारी। कन्नौज में शराब पीने से 3 की मौत, 1 को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में कोविड से मौत के मुआवजे के लिए फर्जीवाड़ा, 5 जिंदा लोगों के को कागजों में बताया गया मृत। दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार। देश में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने कहा कि अभी ओमिक्रॉन का खतरा खत्म नहीं हुआ है। भारत के बहाने भाजपा पर बरसे इमरान, कहा भारतीय फौज भ्रष्ट नहीं, वो चुनी हुई सरकार में भी दखल नहीं देगी। पाकिस्तान सरकार पर संकट के बीच आर पार के मूड में इमरान खान, इमरान ने कहा मैं 1 गेंद में 3 विकेट गिराऊंगा। मरणोपरांत सीडीएस जनरल विपिन रावत पद्म भूषण से सम्मानित, अवार्ड को लेने के लिए विपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी उपस्थित रहीं, दोनों बेटियों ने राष्ट्रपति से लिया पुरस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजा। योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वामी शिवानंद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्म पुरस्कार लेने से पहले स्वामी शिवानंद पीएम मोदी को नमस्कार कर घुटनों के बल बैठ गए, शिवानंद के ये भाव देखकर पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी से उठकर शिवानंद के सामने झुक गए। देहरादून में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंपी उत्तराखंड की कमान। पुष्कर सिंह धामी के विधायक दल का नेता चुनने के बाद देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर जश्न का माहौल, सीएम आवास पर पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। विधायक दल का नेता चुनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 6 महीने के कार्यकाल में सीएम के रूप में धामी ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है, अब राज्य का दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वो बहुआयामी विकास करेंगे।
पंजाब में मंत्रियों को बांटे गए मंत्रालय, सीएम भगवंत मान गृह मंत्रालय की भी संभालेंगे जिम्मेदारी, वित्त मंत्री बने हरपाल सिंह चीमा। आम आदमी पार्टी पंजाब से डॉक्टर संदीप पाठक, क्रिकेटर हरभजन सिंह और राघव चड्ढा समेत 5 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित करेगी। मोदी की कोशिश लाई रंग, ऑस्ट्रेलिया से देश को 29 बहुमूल्य कलाकृतियां लौटाई गई। पीएम मोदी ने मूर्तियों का किया निरीक्षण। गोवा में एक बार फिर से प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से गोवा के सीएम के रूप में उनके नाम का ऐलान किया। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने ली सीएम पद की शपथ। लगातार दूसरी बार मणिपुर के सीएम बने बीरेन सिंह, बैठक में चुने गए थे विधायक दल के नेता। यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि सभी वर्ग के लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। लखनऊ में राज्यपाल आनंदी बेन से मिले सीएम योगी। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदी बेन को भेंट की मन मानस में राम किताब। द कश्मीर फाइल्स विवाद पर बोले अखिलेश यादव, चुनाव में जो हुआ उस पर ना हो चर्चा और इसीलिए कश्मीर फाइल्स हुई है रिलीज। फिल्म से कमाए हुए पैसे कश्मीरी पंडितों को देने चाहिए। गोरखपुर में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों का बढ़ाया उत्साह, कहा परिस्थितियां अच्छी हैं, संगठन के प्रति ईमानदार रहकर काम करें। जेलेंस्की ने नाटो पर लगाया गंभीर आरोप, कहा नाटो रूस से डरता है लिहाजा यूक्रेन को नाटो में नहीं करता स्वीकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा हर कोई यूक्रेन छोड़ने की देता था सलाह, लेकिन मैं कीव में बना रहा। टोरी के प्रेसिडेंट ओलिवर डाउडेन का दावा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन जाने के लिए हैं बेताब। यूक्रेन पर हमले में रूस को भारी नुकसान, अब तक 216 ड्रोन, 1506 टैंक और 152 MLRS तबाह। रूस ने यूक्रेन जंग को लेकर जापान के साथ शांति वार्ता रद्द की है, रूसी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पुतिन का बाइडेन पर गंभीर आरोप, बोले बाइडेन की वजह से रूस अमेरिकी रिश्ते टूटने के कगार पर। बाइडेन के बयान से नाराज रूस ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चीन से मदद की अपील की, बोले चीन को यूक्रेन संकट सुलझाने में निभानी चाहिए अहम भूमिका। रूसी अदालत का बड़ा फैसला, फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगाया बैन, कहा दोनों चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन। खार्किव में रूसी हमले से भारी तबाही, गोलाबारी के बाद जमीन में देखा गया एक बिना फटा रूसी रॉकेट। यूक्रेन के पत्रकारों ने राष्ट्रीय संघ पर आरोप लगाया, कहा रूसी सुरक्षा बलों ने मेलिटोपोल में 4 यूक्रेनी पत्रकारों को किडनैप किया। ओडिशा में अधिकारियों ने कहा रूसी सेना ने आवासीय भवनों पर किया हमला, काला सागर बंदरगाह शहर पर बरसाया बम। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने कहा पुतिन कर रहे हैं युद्ध अपराध, पेत्र फियाला ने युद्ध रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध का किया आह्वान। यूक्रेन के खतरनाक इलाके से एक दिन में निकाले गए 16,054 लोग, इन लोगों के रेस्क्यू में नहीं रही कीव अधिकारियों की कोई भी भूमिका। निकोलीव में यूक्रेनी सेना का कहर, टेरिटोरियल डिफेंस फाइटर में शामिल होने से इनकार करने पर यूक्रेनी सेना मार रही है गोली।
रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कीव ने मारियुपोल को खाली करने के प्रस्ताव को ठुकराया। रूसी सैनिकों ने दक्षिणी शहर खेरसोन में प्रदर्शनकारियों की रैली पर हथगोले और गोलियां बरसाए, हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने रूसी सेना पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप, कहा रूस के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है पेंटागन। रूस यूक्रेन जंग में करीब 10,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, क्रेमलिन समर्थक न्यूज़पेपर का दावा, अब तक 16,153 सैनिक जख्मी। ईद के मॉल पर रूस का मिसाइल अटैक, शॉपिंग मॉल पूरी तरह से तबाह, 8 की मौत। मॉल पर हमले के बाद यूक्रेनी सेना का सर्च ऑपरेशन, जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी। मॉल हमले पर रूस की सफाई, कहा रॉकेट लॉन्च और भंडारण में यूक्रेनी सेना मॉल का कर रही थी इस्तेमाल। बाइडेन ने अमेरिकी बिजनेसमैन को किया आगाह, बोले संभावित रूसी साइबर अटैक के खिलाफ सख्त करे सिक्योरिटी। यूक्रेन के मारियुपोल में अब तक की सबसे भीषण तबाही, रूसी हमले में शहर के 80% इंफ्रास्ट्रक्चर था, 40% को दोबारा बनाना मुश्किल। खार्किव में सुपरमार्केट पर रूस की गोलाबारी, सुपरमार्केट में लाइन में खड़े लोगों पर गोलाबारी। यूक्रेन के ओडिशा में रूस की भीषण गोलाबारी, यूक्रेन के सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल हमला। युद्ध के बीच यूक्रेन की रूस को सीधी चेतावनी, मारियुपोल में यूक्रेन का सरेंडर से इनकार, रूस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे जेलेंस्की। रूसी सैनिकों को नाटो की कड़ी चेतावनी, यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर गिराए मिसाइल, रूसी सैनिकों पर एक्शन लेने का वक्त। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटिश मीडिया का बड़ा दावा, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन कर सकते हैं यूक्रेन का दौरा। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती से बौखलाया रूस, पोलैंड के एयर स्पेस को रूस ने वायलेट किया। बाइडेन के यूरोप दौरे से पहले बड़ी हलचल, बाइडेन ने फ्रांस ब्रिटेन के लीडर से की बातचीत, 24 मार्च को ब्रसेल्स जाने वाले हैं जो बाइडेन। जंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका, यूक्रेन को लेटेस्ट हथियारों की मदद की तैयारी। किंजल के बाद रूस ने जंग में उतारा दूसरा घातक हथियार, यूक्रेन युद्ध के दौरान जिरकॉन मिसाइल का किया टेस्ट, लंदन तक 5 मिनट में हमला कर सकती है जिरकॉन मिसाइल। यूक्रेन के शहरी इलाकों में रूसी टैंक्स का कहर, यूक्रेन के मारियुपोल में रूस ने तेज किए हमले, रूसी टैंक्स से लगातार शहर में बमबारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संकट में वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमतों को लेकर रूस का बड़ा दावा, कहा $300 प्रति बैरल पहुंच सकती हैं कीमतें। रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर को पूरी तरह से घेरा, रूसी सेना को भारी गोलाबारी से दहशत में लूट। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 70,000 टन कोयला मुफ्त में देने का ऐलान किया। जंग के बीच यूक्रेन ने अलगाववादी कमांडर सरगेई मशकिन को मार गिराया, वो अलगाववादी गुट DPR का कमांडर था। रूसी बमबारी के बाद सुमी के केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस हुई लीक, लोगों से अमोनिया की चपेट में आने पर अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को कहा गया।
यूक्रेन पर और भीषण हुए हमले, रात भर राजधानी कीव में हुई बमबारी, हमले में कई लोगों की मौत। नेक्स्टा के अनुसार रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के दौरान कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के से रूस के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को रोकने की मांग की। यूक्रेन संकट पर चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीनी रेड क्रॉस यूक्रेन को मानवीय सहायता के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन युआन की पेशकश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच नाटो और यूरोप के सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए पोलैंड जाएंगे। उत्तर पूर्व से यूक्रेन की राजधानी कीव में आगे बढ़ने वाली रूसी सेनाएं रुक गई हैं, ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का दावा। कीव के मेयर ने यूक्रेन की राजधानी में सोमवार देर रात से बुधवार तक कर्फ्यू की घोषणा की। मेयर ने कहा, मंगलवार को दुकानें, फार्मासिस्ट और पेट्रोल पंप नहीं खुले। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी के कुछ उपनगरों को घेर लिया है, नए इलाके रूसी मिसाइलों के निशाने पर। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, आने वाले समय में ओडिशा और तटीय शहरों पर रूसी हमले के कोई संकेत नहीं मिल रहे। यूक्रेन ने कहा, युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 15,000 रूसी सैनिक मार गिराए गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, कहा अभी तक 33 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन में छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं। क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर कुछ यूरोपीय देशों की ओर से रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध का सीधा असर सभी पर पड़ेगा। यूक्रेनी सैनिक रूस को दे रहे हैं करारा जवाब। यूक्रेनी सैनिकों ने एक ओर रूसी टैंक को किया तबाह, दूसरी ओर आप देखिए रूसी टैंक T-72B को यूक्रेन ने किया नष्ट। आरबीआई ने लोगों को किया अलर्ट, ऑनलाइन नौकरी के फ्रॉड में फंसे तो हो सकता है बड़ा नुकसान। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल, आरबीआई ने कहा बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, बेहतर स्थिति में है अर्थव्यवस्था, हम किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। नए सिरे से सेबी में एलआईसी आईपीओ ने जमा किए डॉक्यूमेंट्स, आरबीआई ने कहा आईपीओ को सही समय पर लाना बहुत जरूरी। जल्द होगा आईडीबीआई बैंक का निजीकरण, निवेश के लिए रोड शो का आयोजन करेगी सरकार। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का बयान, कहा आईपीएल में मिलता है प्रयोग करने का मौका, आंकड़े बनाना लक्ष्य नहीं। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे शटलर, लक्ष्य से ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हारने के बाद नाम लिया वापस। लखनऊ सुपर जॉइंट्स को लेकर बड़ा झटका, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण हुए सीजन से बाहर। केकेआर के ठुकराने के बाद गुजरात लॉयंस पहुंचे शुभमन गिल ने कहा नई टीम के साथ नई चुनौतियां। सलमान खान को बड़ी राहत, अब हाईकोर्ट में ही होगी काले हिरण शिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई। कानपुर पहुंचे विवेक अग्निहोत्री बोले व्यवसाय बन गया है आतंकवाद, कश्मीर फाइल्स से एक्सपोज किया तो बुरा लगा। मां बनने वाली है सोनम कपूर, बेबी बम के साथ शेयर की तस्वीरें।
द कश्मीर फाइल्स पर सीताराम येचुरी का बड़ा बयान, कहा देश की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा सकती है फिल्म। तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिट्ठू का टीजर हुआ रिलीज, मिताली राज के लुक में अभिनेत्री का दिखा दमदार अंदाज। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म गली बॉय फेम धर्मेश परमार का निधन, रैपर एमसी तोड़फोड़ के नाम से भी मशहूर।